शादी का जलसा था, लोग आ जा रहे थे, हर तरफ खुशहाली छाई हुई थी। उल्लास और प्रसन्नता के इस माहौल में हर व्यक्ति किसी न किसी काम में व्यस्त था। एक कमरे में हम उम्र लड़के व लड़कियां झालरों व फूलों से कमरों को सजा रहे थे। यह वही कमरा था जिसमें घर की लक्ष्मी नई नवेली दुल्हन का रिसेप्शन रखा गया था। तभी सिमरन ना जाने कहां से आ टपकी। पहले से उपस्थित हम उम्र लड़के लड़कियों को देखकर वह कुछ देर ठिकठिकी लगाकर देखने लगी। फिर वहीं बैठी छोटी बहन से बोली, चल चल जल्दी चल, मम्मी बुला रही हैं। इससे पहले कि वह कुछ जवाब देती, वहीं बैठा एक खूबसूरत नौजवान रंग गोरा, लंबाई लगभग 6 फुट, ऊपर से नीचे तक काले रंग के कपड़े पहने, चेहरे पर करीने सी बनाई गई दाढ़ी जो कि उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रही थी। तभी वह युवक बोला, ये तो अभी नहीं जाएगी। उसका इस तरह का बोलना सिमरन को शायद अच्छा नहीं लगा। अनायास ही उसके मुंह से निकला, आपकी तारीफ। फिर क्या था, वह अनजाना चेहरा इस शहर के लिए बिल्कुल नया, अपनी तारीफ के पुल बांधने में मशगूल हो गया। सिमरन जो कि मध्यम वर्गीय परिवार की साधारण रंग रूप की लड़की थी, उस खूबसूरत नौजवान की बातों को बड़े गौर से सुनने लगी। ऐसा लगा जैसे वह अपनी बातों के माध्यम से अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। मगर तुरंत ही सिमरन को ख्याल आया, वह क्या सोच रही है, कहां वो कहां मैं है? शादी का कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद अपने अपने घर को रवाना हो गए। बच्चे तो सिर्फ घर के नजदीकी रिश्तेदार। शादी के अगले दिन सभी ने कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाया जिसमें वो नौजवान भी शामिल था। सभी घूमने फिरने खाने पीने में मशगूल हो गए। हंसी ठिठोली चल रही थी, लेकिन वो नौजवान जिसका वह नाम तक नहीं जानती थी, पेड़ के किसी कोने में बैठा शायद कुछ सोच रहा था। जब सबका ध्यान उसकी ओर गया तो छेड़छाड़ शुरू हो गई। सिमरन अपनी एक डायरी लेकर, जिसे वह अपने हमेशा पास रखती थी, कुछ शेरों शायरी लिखने बैठ गई। लेकिन कुछ ही देर में सबके आग्रह पर वो डायरी कलम छोड़कर खेलने में मस्त हो गई। वह इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि वह नौजवान उसकी डायरी कब्जे में ले चुका है और अपने मनोभावों को उसमें उतार रहा है, अपनी इच्छाओं और शब्दों के माध्यम से जाहिर कर रहा है। सभी अपने अपने घर चले गए। अगले दिन सिमरन इन सब बातों से बेखबर जल्दी जल्दी कॉलेज जा रही थी। तभी ना जाने वह नौजवान कहां से सामने आ गया। उसे देखते ही वो झेंप सी गई। वो जितना उससे बचने का प्रयास कर रही थी, वह उतना ही घड़ी घड़ी उसके सामने आ जाता था। वह अपने आप को रोकने का बहुत प्रयास करती कि वह इसकी तरफ ध्यान ना दे, मगर उसे ऐसा लग रहा था कि वह उसकी ओर खिंचती चली जा रही है। आखिर ऐसा क्या है उसमें, वह समझ नहीं पा रही थी। वो यह भी सोच रही थी कि वह उसे जानती नहीं है, उसकी शादी उसके साथ कभी नहीं हो सकती। फिर उसका यह भी तो पता ना था कि वह भी उसे चाहता है या नहीं। अनायास ही उसकी भेंट हो गई और दोनों का मिलाप हो जाता है। लेकिन इस समस्या का समाधान भी जल्द हो गया जब उसने अपनी वही डायरी खोलकर देखी। वह एक के बाद एक पन्ने पलटती जा रही थी। प्रसन्नता से उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि हर पन्ने पर उसकी इजहार मोहब्बत नजर आ रही थी। साथ ही उस अपरिचित का नाम, जिसे वह अभी तक जानती ना थी, पहले ही पन्ने पर लिखी उन 4 पंक्तियों को वह बार बार पढ़ रही थी। एक सफर ने हमें नजदीक ला दिया, एक सफर ने हमें नजदीक ला दिया, भटक रहे थे हम
मंजिल से मिला दिया। अब डर है हमें यह मंजिल छूट ना जाए, आंखों ने जो वादा किया वो टूट ना जाए, वो टूट ना जाए। अब सिमरन बार बार ये सोच रही थी कि ये वो राजकुमार तो नहीं है ना जिसे वो सिर्फ सपनों में देखा करती थी। अब वह सोचने लगी कि क्या वाकई में सच्चा जीवन साथी से तो होगा। सोचते सोचते उसने जल्दी जल्दी फिर कुछ पन्ने पलटने शुरू किए। लिखा था, कभी थे अजनबी अब अजनबी नहीं मिले तो हम, कभी थे अजनबी अब अजनबी नहीं मिले तो हम, दो पल के लिए भी सही, अजनबी है जिंदगी अजनबी है हम, अजनबी है जिंदगी अजनबी है हम, रास्ते मुझको एक पहचान दो, रास्ते मुझको एक पहचान दो, दोस्ती के वास्ते दोस्ती के वास्ते। यह पढ़ते ही उसको लगा यह सिर्फ एक दोस्ती करना ही तो चाहता है, कहीं यह धोखेबाज तो नहीं है। यह सोचते ही वह सिहर उठी और मन ही मन सोचने लगी, मुझे इससे दूर रहना होगा। और ना जाने कब उसकी नींद लग गई। जब आंख खुली तो उत्सुकता और बढ़ी, शायद कुछ और तो नहीं लिखा। पढ़ते ही वह दंग रह गई। आगे लिखा था, कुछ देर क्या हुई तुम नाराज हो गई, कुछ देर क्या हुई तुम नाराज हो गई, पर जाते जाते आंखों से यह बात कह गई, हम तो नाराज ही होंगे, मना सकते हो तो मना लो, हम तो नाराज ही होंगे, मना सकते हो तो मना लो, हो सके तो हमें अपने मन की कविता बना लो, हो सके तो हमें अपने मन की कविता बना लो। उसने धड़कते दिल से फिर पन्ना पलटा। लिखा था, नजरों का इंतजार क्यों है, मन में मीठी झनकार क्यों है, तुम आओगी मेरे मन को हरने सिमरन, यह एतबार क्यों है, यह एतबार क्यों है। फिर क्या था, वह निर्णय ले चुकी थी कि हो ना हो यही उसका जीवन साथी है। मगर एक डर बार बार उससे भयभीत कर रहा था, क्या उसके घर वाले उसे अपनाएंगे या यह कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। लेकिन कहते हैं ना, यदि हम सच्चे दिल से ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो वह शायद देते हैं, बशर्ते कि मन साफ हो। रास्ते में बहुत सारे व्यवधान मुसीबतें आने के बावजूद भी वह दिन भी आ गया जिस दिन सबको अपने अपने राजकुमार का इंतजार होता है, लेकिन ये राजकुमार वही हो जिसे हम सपनों में देखते हैं तो खुशी दोगुनी सी हो जाती है। ठीक वही हुआ सिमरन के साथ। वह सोच भी नहीं सकती थी कि एक साधारण से रूप रंग की लड़की को जिसके पास कुछ भी तो नहीं है सपनों का राजकुमार मिल जाएगा। 2 दिसंबर 1990 ये वही दिन था जिस दिन सिमरन को उसका जीवन साथी यानी कि अपना राजकुमार मिल गया था। आज वह बहुत खुश थी और ईश्वर को बार बार धन्यवाद दे रही थी कि उसने उसकी सुन ली। आज वह लड़की के लिए यही दुआ कर रही थी कि हर लड़की व लड़के का भाग्य मेरे जैसा ही हो, सबको अपने अपने सपनों का राजकुमार मिले, मेरे सपनों का राजकुमार।